मुझे अभी इसको हमने फ्रेंड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ क्रिस्पी ब्रोस्ट की, चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट की। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बाउल ले लिया है। अब हम ऐड करेंगे पानी। ये मैं मैरिनेट कर रही हूँ, तो उसका फर्स्ट स्टेप दिखा रही हूँ मैरिनेशन का। पानी इतना लेना है कि जो चिकन है आपका प्रॉपर उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। सिरका ऐड कर रही हूँ, मतलब इसके अंदर आप विनेगर ऐड कर रही हैं। जी जी, सिरका आपने ऐड कर दिया जी। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें ना सॉल्ट, लो सॉल्ट। सॉल्ट यूज करेंगे आप? जो नॉर्मल लो सॉल्ट यूज करते हैं आप? नॉर्मल लो सॉल्ट आपको मैं बता दूं कि जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसके अंदर सोडियम होता है और लो सॉल्ट के अंदर पोटेशियम होता है। और ग्रीन चिली ये मैंने कट करके रखी है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें चिकन डिप कर रही हूँ। ये आया लेग पीस। बिस्मिल्लाह। चेस्ट पीस और फ्रंट पीस। ओके, विंग्स आ गए। ये देखें पूरा चिकन इसके अंदर डाल दिया है अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छी तरह ऊपर से ढक देंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन कितने घंटे? 2 to 3 hours मैं इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर 2 or 3 hours के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैरिनेशन हो गई है। अब मैं चिकन इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। जो ये हमने सुरके के अंदर, नमक के अंदर, हरी मिर्ची के अंदर जो मैरिनेशन की थी, अब उसको वहाँ से शिफ्ट करके अब सेकंड फेज ऑफ मैरिनेशन करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर, लहसुन, लो सॉल्ट, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, कुटी हुई काली मिर्चें, चिली सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस। तब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर पीस को अच्छी तरह से मसाला लग जाए। और इसको हम कितनी देर तक छोड़ेंगे? 10 minutes। इसको 10 to 15 minutes के लिए छोड़ेंगे। और ये तकरीबन 1 kg और 50 ग्राम तकरीबन 1 kg 50 ग्राम मुर्गी का वेट था इसका जो हमने ली थी। और इसके अंदर अभी हमने इसको सारे मसाले लगा के इसको तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स फर्दर मैरिनेशन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप।
ये मैं इसमें डिप कर रही हूँ, मैदे में, मैदा मैंने ले लिया और इसमें डिप कर रही हूँ। अच्छी तरह डिप कर दिया इसके अंदर, ये लेग पीस है इसको लिए हैं, अच्छी तरह डिप हो गया। अब ये क्या है? वाटर, पानी के अंदर इसको दोबारा डिप कर रहे हैं। डिप करने के बाद वापस इसको मैदे के अंदर डिप कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह डिप रहने देंगे। ठीक, मतलब हमने मैदे के अंदर दो दफा डिप करना है, पहले डिप करके फिर पानी में डिप करना है, फिर वापस इस तरह डिप करना है। यस, ठीक, ये क्लियर हो गया। ये इसके अंदर डाल दिया भाई। ये लेग पीस डाला है और ये पक रहा है। आप कोशिश करें इससे भी ज़्यादा हीट, गर्म हीट ऑयल हो ताकि उसको अच्छी तरह क्रिस्पी बनेगा। जितना अच्छा गर्म ऑयल होगा उतना अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ये जस्ट लाइक अ केएफसी चिकन, क्रिस्पी चिकन बन रहा है, जैसे आप लोग केएफसी वगैरह का खाते हैं ना बाहर का, तो उस टाइप का बन रहा है। देखो इसको अच्छी तरह मसाला लगा लिया, अब वो चीज डालेंगे इसके अंदर। कितने मजेदार पीस बने हैं, क्लासिक। ये देखें इसका फाइनल लुक, ये कितने ज़बरदस्त स्पाइसी और क्रंची ये बन चुके हैं। अब इसको हम टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कैसा बना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इट्स टू हॉट, लेट्स सी। बहुत गर्म है, वाव, जबरदस्त। जी हमें नंबर वन टेस्ट, ये फुल ऑफ टेस्ट, फुल ऑफ क्रंच, फुल ऑफ टेस्ट, आई एम लविंग इट। ले भाई ये फाइनल लुक है इसका, मजेदार, यम्मी, क्लासिक। चटनी के साथ जब हमने टेस्ट किया बहुत मजेदार हो गया। आप भी ट्राई करें, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। नॉर्मली आप छोटी मोटी जगहों पे जहाँ पे ऑर्डर देते हैं वहाँ पे प्रॉपर मुर्गी भी नहीं होती है, मोस्टली लोग वही मुर्गी यूज़ करते हैं जो नियर एक्सपायरी वगैरह होती है, तो आप खुद ही फ्रेश मुर्गी लेके उसका बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा।